नमस्कार, प्रवास अक्षर न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। असम के कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है तो त्रिपुरा में पंचायत चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में नई सरकार ने नियुक्तियों और तबादलों का दौर शुरू किया है तो सिक्किम में प्राकृतिक आपदा के चलते फंसे पर्यटकों को बचा लिया गया है। मणिपुर के हालात को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने रणनीति बना ली है तो दूसरी ओर मिजोरम सरकार को 33,000 से अधिक म्यांमार शरणार्थियों का बायोमेट्रिक पंजीकरण कराने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश का इंतजार है। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत से कई प्रमुख समाचार रहे, आइए सब पर डालते हैं एक नज़र। और सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के कोकराझार जिले की अदालत ने एक लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी पुलिस कांस्टेबल को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक अदालत के विशेष न्यायाधीश जयदेव कोच ने मंगलवार को यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत कांस्टेबल बंजीत दास को दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। इसके अलावा असम के गृह सचिव शीलादित्य चेतिया ने मंगलवार को लंबी बीमारी के चलते अपनी पत्नी के निधन के बाद गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि 2009 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी चेतिया ने गहन चिकित्सा कक्ष यानी ICU के अंदर अपनी सरकारी रिवॉल्वर से कथित तौर पर खुद को गोली मार ली, जहां उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल में मामूली फेरबदल करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का प्रभार खुद संभाल लिया। स्वास्थ्य विभाग पहले केशव महंत के पास था, जिन्हें पूर्व मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य के विभाग सौंपे गए हैं। हम आपको बता दें कि शुक्ला वैद्य लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा असम में बाढ़ की स्थिति सोमवार को और भी बिगड़ गई और राज्य के 8 जिलों में 1.05 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार बक्सा, बारपेटा, दरांग, धेमाजी, गोलपारा, करीमगंज, नागांव और नलबाड़ी जिलों में बाढ़ के कारण 1,05,700 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें कहा गया है कि करीमगंज सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहां 95,300 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसके बाद नागांव में लगभग 5,000 लोग प्रभावित हुए हैं और धेमाजी में 3600 से अधिक लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। ASTMA ने कहा है कि वर्तमान में 309 गांव पानी में डूबे हुए हैं और राज्य भर में 1,005.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। मणिपुर से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य में जारी संकट के शीघ्र समाधान की मांग की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओ इबोबी सिंह ने जिरीबाम जिले में हुई हालिया हिंसा का मुद्दा उठाया और राज्यपाल से राजमार्गों पर वाहनों की मुक्त आवाजाही को सुनिश्चित करने का आग्रह किया, ताकि आवश्यक वस्तुएं हमेशा की तरह उपलब्ध हों। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि गृह मंत्रालय मणिपुर में जाति विभाजन को पाटने के लिए जल्द से जल्द मेईती और कुकी समुदायों से बात करेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार गृह मंत्री ने मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी और राज्य में शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए उन्हें रणनीतिक रूप से तैनात किया जाना चाहिए। अमित शाह ने निर्देश दिया कि पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बयान में अमित शाह के हवाले से कहा गया है कि गृह मंत्रालय दोनों समूहों मेईती और कुकी से बात करेगा, ताकि जाति विभाजन को जल्द से जल्द पाटा जा सके। उन्होंने मणिपुर के मुख्य सचिव को विस्थापित लोगों के लिए उचित स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं तथा उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। अरुणाचल प्रदेश से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने नौकरशाही में फेरबदल करते हुए 1998 बैच के IAS अधिकारी कलिंग तायंग को प्रधान सचिव निर्वाचन नियुक्त किया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि विवेक पांडे को पवन कुमार सैन की जगह शहरी मामलों यानी शहरी विकास, नगर नियोजन, शहरी स्थानीय निकाय और आवास का आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री ओजिंग तसिंग ने जोर देकर कहा है कि वह वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विवादों में घिरे इन दोनों विभागों में धन के दुरुपयोग की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इन दोनों विभागों को राज्य में सर्वश्रेष्ठ विभाग बनाएंगे। पहली बार मंत्री बने तसिंग ने दो विभागों की अहम जिम्मेदारी सौंपने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू का आभार भी जताया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन हुए हैं और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्य की राजधानी में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। डोईमुख पोटिन मार्ग और ईटानगर यूपिया मार्ग के कई हिस्सों में जलभराव होने की सूचना भी आई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने बुधवार को पेमा खांडू के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। इन विधायकों में निख कामिनी, लिखा सोनी और टोको तातुंग शामिल हैं, जिन्होंने खांडू के कार्यालय में उनसे मुलाकात कर उन्हें अपना समर्थन पत्र सौंपा। खांडू ने उनकी प्रतिबद्धता और सहयोग के लिए उनका आभार जताया और राज्य की प्रगति को बढ़ावा देने में इस तरह के गठबंधन के महत्व को स्वीकार किया।
सिक्किम से समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि उत्तरी सिक्किम में फंसे शेष 158 पर्यटकों को निकालने के साथ ही बचाव अभियान बुधवार को समाप्त हो गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। मंगन के जिलाधिकारी हेम कुमार छेत्री ने बताया कि पिछले 3 दिनों में फंसे हुए सभी 1447 पर्यटकों को निकाल लिया गया है। मंगलवार को कुल 1225 और सोमवार को 64 पर्यटकों को बचाया गया था। उन्होंने कहा, अभियान के तीसरे और अंतिम दिन 158 पर्यटकों को बचाने के साथ हमने फंसे हुए सभी 1447 पर्यटकों को निकाल लिया है। नागालैंड से आए समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में आगामी शहरी स्थानीय निकाय यानी यूएलवी चुनाव से कुल 89 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने यह जानकारी दी। मंगलवार को नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। मिजोरम से आए समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य सरकार राज्य में 33,000 से अधिक म्यांमार शरणार्थियों का बायोमेट्रिक पंजीकरण कराने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश का इंतजार कर रही है। राज्य के गृह विभाग के अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नया बायोमेट्रिक पंजीकरण पोर्टल तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया, हम केंद्र से निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। निर्देश मिलते ही हम म्यांमार के नागरिकों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करना शुरू कर देंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।